नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश। स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है किया सेल्टोस का एसटीएक्स प्लस 2024 वेरिएंट। इसी का ही आज रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स ऑन रोड प्राइसिंग के साथ ये भी बात करेंगे कि इस वेरिएंट को हमें क्यों लेना चाहिए। देखिए, मुझे इस वेरिएंट को लेने के 5 ऐसे रीजन लगते हैं जो कि आपको लेना चाहिए। पहला जो रीजन है, इस गाड़ी का लुक्स ही है, क्योंकि इस सेगमेंट में मिड साइज एसयूवी सेगमेंट पे यही पहली ऐसी गाड़ी है, इसका लुक सबसे ज्यादा धांसू लगता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको इसका लुक कैसा लगता है बाकी अदर गाड़ियों के मुकाबले। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, फीचर्स। सारे फीचर्स इस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाते हैं, जरूरत का भी आपको पूरा फीचर्स भी आपको दिखाऊंगा। तीसरा जो रीजन है, इंजन। इस गाड़ी में आपको टर्बो इंजन मिलता है जो 160 पीएस की पावर जनरेट करता है। मजाक नहीं है, 160 पीएस की पावर बहुत ज्यादा है, इस गाड़ी के हिसाब से बहुत ज्यादा। हैंडलिंग वगैरह भी काफी अच्छी मिल जाती है। चौथा रीजन है, इस गाड़ी में मिलने वाला कंफर्ट। कंफर्ट लेवल काफी ज्यादा इस गाड़ी में आपको अच्छा देखने को मिल जाता है। और यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर का जो स्पेस है, जो क्लास्ट्रोफोबिक वाली फीलिंग है ना, वो इस गाड़ी में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सनरूफ तो खैर आता ही आता है। इंटीरियर वगैरह इतना ज्यादा प्यारा मिलता है कि आप इस गाड़ी में बैठोगे तो दिल ही आपका खुश हो जाएगा। तो कंफर्ट की बात ही छोड़ दो। और पांचवा जो सबसे बड़ा रीजन है इस गाड़ी को लेने का, वो है इस गाड़ी की प्राइसिंग। भाई, ये एक्स शोरूम आपको 15,44,000 रुपए में मिल जाती है, जो कि बहुत सही प्राइसिंग है। इस गाड़ी के हिसाब से तो काफी सही, फीचर्स के हिसाब से काफी सही प्राइसिंग है। और ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको ऑन रोड अप्रॉक्स 18,00,000 रुपए में आपको ऑन रोड देखने को मिल जाती है। सिंह साहेब मोटर गोरखपुर यूपी पे डिस्क्रिप्शन में शोरूम के गाड़ी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर जो जो फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, और सारे फीचर्स चल के दिखाते हैं क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। पहली चीज़ ही इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, क्रोम का डोर हैंडल्स मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसका डोर वगैरह भी काफ़ी वाइड ओपन होता है। डुअल टोन में आपको इंटीरियर देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप, डुअल टोन में आपको इंटीरियर मिल जाता है इस वेरिएंट में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। ग्लास एरिया वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का मिलता है, क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही मिल जाती है, लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो ओआरवी के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ सॉफ्ट टच मिलता है, यहाँ पे भी आपको ट्विटर मिल जाता है, बटन होल्डर्स और बोस का साउंड आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यार कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर मिलता है डुअल टोन में, किया सेल्टोस एसटीएक्स प्लस 2024। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। भाई, हर तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। और आइए गाड़ी के अंदर आप बैठते हैं और भी क्या क्या फीचर्स मिलते हैं चल के मैं आपको दिखाता हूँ। एसटीएक्स प्लस वेरिएंट की एक सबसे खास बात मुझे ये लगती है, भाई इस गाड़ी का इंटीरियर देखो यार, कितना ज़्यादा बेहतर इंटीरियर देखने को मिल रहा है। क्वालिटी वगैरह काफ़ी सही है, चीज़ें बहुत अच्छी है। इस गाड़ी में बैठने के बाद आपको काफ़ी फीलिंग अच्छी आने वाली है, फील गुड फैक्टर बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। जब आप बैठोगे तो लगेगा कि आप जितने पैसे दिए हो उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी में आप बैठ गए हो, तो ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी को लेकर के। मुझे तो बहुत अच्छा है पर्सनली, इसका इंटीरियर हुंडई के क्रेटा से भी ज़्यादा बेहतर आपको फील कराएगा। जो लोग कहते हैं ना ये बेज कलर वगैरह हमको पसंद नहीं है, तो वो भाई इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसमें देखिए, ये जो कलर है काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिल जाता है। शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। स्टीयरिंग व्हील पे फुल लेदर ट्रीटमेंट मिल जाता है, माउंटेड कंट्रोल वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, इधर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को मिल जाता है। गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंजन स्टार्ट और बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है, आइडियल स्टार्ट और हेडलैम्प लेवलर जैसी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ऑन हो जा भाई, ये देखिए। अब ठीक है, अब ज़्यादा सही है। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्रीमियम आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटर, हर एक सुविधाएं आपको देखने को मिल जाती है इसमें। अगर देखा जाए तो ये देखो भाई, एसी ऑफ कर दिया जाए, अब ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यूआई वगैरह काफ़ी सही लगता है, फुल इन्फॉर्मेशन देता है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ये भी आपको 10.25 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इधर भी आएंगे आपको 10.25 इंच का मल्टीपल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। यूआई वगैरह भी काफ़ी सही है, टच का रिस्पॉन्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ रेडियो, सारी चीज़ें ये सपोर्ट करता है, जो एक बहुत अच्छी बात है। नीचे आएंगे तो आपको एसी वेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बीच में हजार्ड लैंप के कंट्रोल मिल जाते हैं। इधर आएंगे तो आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का सारा बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, फुल इन्फॉर्मेशन देता है। इधर आएंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है इस साइड,
और यहाँ पे अगर आएंगे तो ऑफ वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह है जो एक अच्छी बात है। 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी और सी टाइप आपको देखने को मिल जाता है। फिलहाल ये आईएमटी वेरिएंट में आती है, तो ये आईएमटी वेरिएंट है, 6 स्पीड आईएमटी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड सीट जैसी सुविधाएँ आपको देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर आप कैमरा व्यू देख सकते हो। देखिए रियर कैमरे की क्वालिटी कितनी ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाती है, 360 अराउंड व्यू इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी बात करें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, इधर आएंगे कप होल्डर्स वगैरह मिल जाता है। अमरीश की क्वालिटी भी काफ़ी सही है, लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, इधर भी आपको स्पेस वगैरह काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। सीट की क्वालिटी की बात करें, सीट की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अपने हिसाब से काफ़ी ठीक है। क्लब बॉक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे साइज़ का मिल जाता है। ये जो क्वालिटी है ना, ये जो कलर है ना, अच्छा लगता है, प्रीमियम डिज़ाइन आपको देता है। यहाँ पे आपको सब वूफर वगैरह देखने को मिल जाता है। इधर आएंगे तो यहाँ पे कोई वारंटी मिरर वगैरह तो नहीं मिलता है। आईआरबीएम से आपको ऑटोमेटिक ऑटो डिम मिल जाता है, जबकि आपको यहाँ पे एक सन ग्लास होल्डर मिल जाता है, रीडिंग लैंप वगैरह LED BSE देखने को मिल जाती है। और इधर आएंगे तो आज इधर आपको एंटी मिरर देखने को मिल जाता है, फुल पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। जो भी चीज़ें मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा सही मिल जाती हैं, काफ़ी मज़ा आता है यूज करने में, काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन ही आपको देती है, मतलब क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आप क्वालिटी से प्यार करते हो, क्वालिटी ही पसंद करते हो, तो भाई ये गाड़ी आपके लिए ही बनी हुई है। चलिए आइए उतरते हैं और भी चीज़ें चल के देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कंफर्ट, इंटीरियर की क्वालिटी वगैरह यार बहुत ज़्यादा बढ़िया। इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से इतनी चीज़ें शानदार मिलना बहुत सही चीज़ है। साइड से देखिए गाड़ी कितनी ज़्यादा नाजुक लग रही है, देख रहे हैं। कलर बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लग रहा है। इसका कलर तो बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा आपको इसका कलर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर डायमेंशनली बात किया जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। लेंथ मिल जाती है 4365 mm की, वेथ मिलती है 1800 mm की, हाइट मिलती है 1645 mm की। व्हील बेस की बात करें 2610 mm की व्हील बेस मिलती है। क्लैडिंग आपको चारों ओर देखने को मिलती है, व्हील आर्च अच्छा मिलता है, सस्पेंशन भी तगड़े वाले मिल जाता है। टायर साइज की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 215/60 R 17 inch की, आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही है भाई। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सही है, क्लैडिंग वगैरह चारों ओर देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ओआरपीएम टर्न इंडिकेटर के साथ मिलता है। क्रोम में आपको डोर हैंडल्स मिलता है रिफ्रेश सेंसर के साथ, यहाँ भी देखिए क्रोम में ही आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल बहुत सही लगती है, गाड़ी की लुक्स प्रीमियमनेस की बात भाई, यहाँ पर देखिए क्रोम का यूज़ किया गया, क्या शानदार आपको लग रहा है। रूफ रेल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, साफ फिन एंटीना वगैरह भी मिल जाता है, और पीछे से भी गाड़ी काफ़ी सही लगती है। रियर प्रोफाइल कनेक्टेड टेल लैंप नहीं मिलते, लेकिन इसका टेल लैंप इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, कनेक्टेड ही लगेंगे। जब आप ये गाड़ी रियर की प्रोफाइल देखोगे ना, तो कनेक्टेड ही लगेंगे। यहाँ देखिए क्वार्टर ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा मिलता है। चलिए इसके यार रियर की सीट पे चलते हैं, देखो भाई डोर कितना वाइड और ओपन होता है, ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे सेल्टॉस का। बाकी यहाँ पे सनसेट वगैरह भी देखने को मिल जाता है यहाँ से, बाकी ग्लास एरिया बड़ा मिलता है, लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो कंट्रोल्स मिल जाता है, और सॉफ्ट टच वाटर होल्डर्स स्पीकर वगैरह तो खैर मिलते ही मिलते हैं। इतना शानदार वेरियंट, गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। इस गाड़ी की जो सबसे अच्छी बात लगती है, रियर सीट स्पेस क्रेटा से बेहतर आपको थाई सपोर्ट इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही में अगर लेग रूम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको लेग रूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आएंगे ना तो रियर एसी वेंट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, सी टाइप आपको दो दो मिल जाता है। अगर बात करें तो सीट की क्वालिटी यार बड़ी अच्छी है, बेस कलर नहीं मिलता है, ये नॉर्मल आप ब्राउन शेड में आप बोल सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी है। बाकी तीन तीन आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पे आर्मरेस्ट में मिल जाता है कप होल्डर के साथ। अगर बात करें तो ऊपर यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप वगैरह, यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप वगैरह देखने को मिल जाता है, और ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिल जाता है, हुक वगैरह भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है, किया सेल्टॉस STX प्लस 2024 का शानदार आपको इंटीरियर भी देखने को मिल जाता है। एयर प्योरीफायर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, वायरलेस प्रोटेक्शन जो भी चीज़ें हैं आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। अच्छी बात यह है कि पैसे लगा रहे हो तो ये है कि चीज़ें काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिल जा रही हैं, ये चीज़ें हैं सेल्टॉस की, ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। चलिए आइए उतरते हैं और भी चीज़ें चल के देखते हैं। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सही है भाई, कंफर्ट लेवल आपको देखा कितना ज़्यादा शानदार आपको कंफर्ट लेवल लग रहा है। पीछे की प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, देख रहे हैं कितनी ज़्यादा शानदार है। मुझे तो ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्या शानदार कलर है भाई।
नीचे आएंगे तो कार्बन ब्लैक में बम्पर मिलता है जो कि सही है, पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं, स्किड प्लेट रियर फॉग लैंप रिफ्लेक्टर, स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश में ही मिलती है जो कि सही है। देखिए यहाँ पे TDI की बैजिंग मिल जाती है, कनेक्टेड आपको टेल लैंप नहीं मिलते लेकिन यहाँ तक आपको जाती है, किया के बैजिंग तक आपको टेल लैंप जाती है, बाकी सेल्टॉस की बैजिंग मिल जाती है। पीछे आएंगे तो किया की बैजिंग और यहाँ पे वाइपर डिफॉगर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप साफ फिन एंटीना तो खैर मिलता ही मिलता है, रूफ वगैरह काफ़ी शानदार है। इसके बूट स्पेस को चेक कर लेते हैं, बूट खोलते हैं। एक चीज़ है भाई, बूट को काफ़ी अच्छे से प्रीमियम तरीके से कवरअप किया गया जो अच्छी बात है, पास अल्टी वगैरह मिल जाता है बहुत अच्छी बात है। टोटल आपको 433 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, बूट लैंप वगैरह मिलता है। यहाँ के नीचे आएंगे तो स्पेयर व्हील वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एक स्पीकर वगैरह मिल जाता है जो कि सही है, 60-40 स्प्लिट सीट के साथ आती है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये वेरिएंट बहुत सही वेरिएंट है भाई, पैसे लगा रहे हो तो सारी चीज़ें की आपको देता है निचोड़ के, तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगा है इस वेरिएंट की बात के, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हो क्योंकि पैसे दे रहे हो, एक्स्ट्रा आपको फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। फीचर्स का नाम ही है किया सेल्टॉस का ये वेरिएंट कह सकते हो, STX प्लस वेरिएंट, काफ़ी शानदार आपको फीचर्स ये देता है। 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है जो कि एक बहुत सही है। मैंने प्राइसिंग आपको बताई है पेट्रोल वेरिएंट की, जबकि डीजल की भी प्राइसिंग काफ़ी अट्रैक्टिव वगैरह है। अगर आप डीजल में लेने जाते हो तो अप्रॉक्स आपको 21.5 से लेकर के 22 लाख के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। ऑन रोड किया सिंह साहेब मोटर गोरखपुर UP पे, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मिल जाए। फ्रंट की लुक काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, अभी मैं आपको इसको पास से दिखाता हूँ, पास से आइए चले देखते हैं। देखिए यहाँ पे लुक लोअर ग्रिल काफ़ी शानदार लगता है, स्किड प्लेट वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स मिल जाता है, नीचे आपको फॉग लैंप वगैरह LED टेल लैंप और इंडिकेटर वगैरह मिलती है, बाकी डियल्स वगैरह ये यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक आपको जाती है, कनेक्टेड नहीं है लेकिन जो भी दिया गया है काफ़ी शानदार है, क्रोम वगैरह का यूज काफ़ी किया गया है ग्रिल पे, देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सही लगे। इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये इसमें आपको दो इंजन मिलता है, पेट्रोल डीजल दोनों। पेट्रोल की बात करें तो वही 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो 157 PSI पावर देता है, 253 Nm टॉर्क प्रोवाइड करता है। माइलेज की बात करते हैं ERAI कंपनी अप्रॉक्स जो क्लेम करती है वो 17 के आसपास है जो कि ठीक है, टर्बो इंजन के हिसाब से काफ़ी सही है। डीजल की बात करें तो डीजल में 115 PSI की पावर देता है, 250 Nm टॉर्क प्रोवाइड करता है, उसका माइलेज आपको ज़्यादा मिल जाता है, अप्रॉक्स आपको 20-21 के आसपास ERAI कंपनी क्लेम करती है जो कि ठीक है डीजल इंजन के हिसाब से देखा जाए। तो दोस्तों ये रहा किया सेल्टॉस STX प्लस 2024 का रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।